मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए फाइनल ईयर ऑनर्स के वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बुक में से प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करवाऊंगा। प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो बातें बताई हैं। नंबर एक, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, और नंबर दो, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित और स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग को अपना काम करने और समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म होगा। किंतु प्लेटो को आशंका थी कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाएगा और क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाले इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है, और इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। एक तो संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। साम्यवाद प्लेटो केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही बताता है, और प्लेटो के द्वारा बताया गया साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समझ जनता के लिए नहीं है, केवल अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। जैसे प्लेटो ने तीन वर्ग बताए हैं राज्य में, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तो उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद नहीं है। और प्लेटो के द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने के कारण का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। प्लेटो का उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है। अतः प्लेटो के द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। नेटलशिप के शब्दों में, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राजव्यवस्था संबंधी धारणा से जुड़ी हुई है और उसकी प्राप्ति का साधन भी है। साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है। स्पार्टा में यद्यपि निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, परंतु संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक सहभोज में भाग लेते थे। एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। सिद्धांत रूप में भी साम्यवाद की धारणा प्लेटो के पहले ही प्रचलित थी। एथेंस में कुछ लोग प्राकृतिक जीवन के पक्ष में थे, जिसमें व्यक्ति कृत्रिम नियमों से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर सके। पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्यवाद व्यवस्था थी, और वह कहा करते थे कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएँ साझा होनी चाहिए। क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के ही जिम्मे था। यूरोपाइडस ने अपनी एक रचना प्रोटे सिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के दो रूप, नंबर एक संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है, और न उनके पास अपना घर होगा, न कोई गोदाम होगा जो सबके लिए खुला हो ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए और सिपाही की तरह डेरों में रहना चाहिए। केवल वे ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक ना चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति, ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। प्लेटो की संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएँ निम्न हैं। नंबर एक, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता। नंबर दो,
इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता दूर करना नहीं है, बल्कि राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर के शब्दों में, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वर्ण इसका त्याग करना है। प्लेटो के संपत्ति विषय साम्यवाद का समर्थन निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, प्लेटो आत्मा के तीन तत्व विशेष गुण मानता है, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज में तीन वर्ग माने हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उसके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम करना चाहिए। शासक व सैनिक वर्ग ऐसा कर सके इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपने कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक संवाद को अपनाना जरूरी हो जाता है। दार्शनिक आधार, प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर भी करता है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जिन्हें शासन करने का काम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है, सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक पर को इसे अलग रखा जाना चाहिए। यह वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए मुद्रा और कंचन का स्पर्श वर्जित किया गया है। राजनीतिक और व्यावहारिक आधार, प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रहण की छूट दे दी जावे तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न रहकर संपत्ति हो जाए। राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हों, तो हो सकता है कि निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपनी जेबें भरना तथा दूसरों का शोषण करना शुरू कर दें। इसलिए प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हों उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो उन्हें कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए। सेवाइन ने प्लेटो के इस तर्क के संबंध में कहा है कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि इसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहाँ तक सैनिकों और शासकों का संबंध है। अरस्तु के द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषय साम्यवाद की आलोचना, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने संपत्ति विषय साम्यवाद के निम्न आधारों पर आलोचना की। नंबर एक, यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने, उसमें वृद्धि करने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति भी होती है, किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुक जाता है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। नंबर दो, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या के आधे से भी अधिक होती है, इस प्रकार यह राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है जिसमें देश की एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। नंबर तीन, इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने के लिए और उसे प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु अरस्तु के अनुसार यह एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद द्वारा। नंबर पाँच, इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है, जो पोलिस को सर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद
आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है और जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। आठ नंबर प्लेटो का सामवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है। परिवार विषयक सामवाद, स्त्री सामवाद, अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों में मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जानेंगे, न संतान अपने माता पिता को। प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर एक, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह और चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता परिचय नहीं दे पाता जैसी सजगता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। नंबर दो, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के सभी स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। नंबर तीन, नारी मुक्ति और समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सर्वाधिक सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था। इसमें स्त्रियों को प्रवेश वर्जित था। उनका काम केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का लालन पालन करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो कहता है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के हीन जीवन का अंत करना चाहता था और उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही उपयुक्त हैं और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतः वंचित करना चाहता है। नंबर चार, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वर्ण राज्य के व्यापक हितों की दृष्टि में रखकर होना चाहिए। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संस्कृति श्रेष्ठ नस्ल की हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय यह है कि उचित आयु की केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। प्लेटो चाहता है कि संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर कि एक पशुपालक करता है, अर्थात श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए, उतने नरों जितने कि वह सुगमतापूर्वक संभाल सके और एक श्रेष्ठ। इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृहों में करेगा। बार करके अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हो, वर्ण उसका जन्म भी उचित रूप में चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। वह स्वयं प्लेटो के शब्दों में कहता है, शिक्षा दीक्षा काम जन्म से पूर्व ही आरम्भ हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो की परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है, राज्य में एकता आती है,
और संस्कृति का सुधार होता है। इससे स्त्रियों को मुक्ति और राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है। ये प्लेटो के दो साम्यवादी सिद्धांत थे, एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। अरस्तु ने इन दोनों की ही आलोचना की है।